आज मैनपुरी में कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर मैनपुरी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो जम्मू में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें मुख्य वजह लापरवाही रही है। जब इंटेलिजेंस ने सब कुछ पहले ही बता दिया था तो सरकार क्यों सोती रही? आने वाले समय में ये अंगुलियां सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर उठाई जाएंगी। इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? इतना सारा विस्फोटक कहां से आया? आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ियां घूमती रही। जब 2,500 सीआरपीएफ के जवान गुजर रहे थे तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? आखिर आतंकवादियों ने उसी बस को क्यों निशाना बनाया जो कि साधारण बस थी? और उनको ये सब कैसे पता चला? सुरक्षा में काफी बड़ी चूक हुई है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही होती हुई नहीं दिख रही है जिससे जनता को ऐसा महसूस हो कि कोई कार्यवाही की गई है। देश में जबरदस्त गुस्सा है। संवाददाता मैनपुरी सत्येंद्र तिवारी। सरकार को कि जो है ऐसा हमला होने जा रहा है, लेकिन बावजूद जो है कोई एहतियात कदम नहीं उठाया गया, उसके बावजूद हमारे देश के करीब 40 लोगों ने अपनी शहादत दे दी, तो क्या कहेंगे इसे? लापरवाही तो हम कहेंगे। इंटेलिजेंस ने जब सब कुछ बता दिया था तो सरकार क्यों सो रही थी? हालांकि ये समय किसी क्रिटिसिज्म का नहीं है, ना ही कोई उंगली उठाने का समय है, क्योंकि 40 या 42 लोगों ने अपनी शहादत दी है। इस समय सब देश पक्ष और विपक्ष एक है, परंतु आने वाले समय में ये उंगलियां सत्ता पक्ष के ऊपर उठाई जाएंगी कि इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, वो आरडीएक्स की कार भरी हुई इतना सारा विस्फोटक कहाँ से आया, और जब वो उस सड़क पर लगभग 2,500 सीआरपीएफ के जवान वहाँ से पास हो रहे थे तो उनको एयर प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, हेलीकॉप्टर से वो क्यों नहीं उनकी सुरक्षा की गई, और उसमें एक बस जो थी वो उसमें उस तरह का वो भी नहीं था कि वो इन सब क्या कहते हैं उसे वो एंटी बम एंटी ब्लास्ट वाली व्यवस्था उस बस में क्यों नहीं थी? आतंकवादियों को कैसे पता लगा कि उस बस में ही ऐसी एक जवान बैठे हैं जिसे आसानी से उड़ाया जा सकता है? वो कार काफ़ी देर तक क्यों चलती रही? ऐसा भी संज्ञान में आया है कि 3-4-5 मिनट तक वो आरडीएक्स से भरी हुई कार उस काफले के साथ चलती रही। तो सुरक्षा में चूक तो है, परंतु इस समय में देश एक है और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इसमें कतई भी विलंब ना हो, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं और अभी ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है जिस पर जनता को कुछ धैर्य मिले। ज़बरदस्त बवाल है, उबाल है देश में, नौजवान में उबाल है, हर बुज़ुर्ग में उबाल है कि हम लोग कब तक शहादत देते रहेंगे? एक सिर के बदले में 10 सिर लाने वाली बात करने वाली सरकार ये इन 4.5 सालों में मूक क्यों रही? क्यों नहीं आतंकवादियों का सफाया किया गया? आज भी एक मेजर और 4 जवान शहीद हुए हैं, और सुना है कि उन सरगनों को जो मास्टरमाइंड थे उनको भी मारा गया है, परंतु आतंकवाद को ख़त्म करना होगा तभी देश के लोग सुरक्षित रहेंगे।